एंड वेलकम। आप लोग के सामने मैं पीपीटी लेकर आया हूँ और आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। हम चैप्टर में 1 से कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो टॉप पे आई सिग्नेचर आएगा, उस पे आप जाके चैप्टर नंबर 1 पे आप जा सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। उसे कंटिन्यूशन हम आगे कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग हम पहले देख लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट ये आती है, इंट्रोडक्शन। व्हाट वी कॉल इन इंट्रोडक्शन हियर, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और इसको पहले हम बड़ा कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ जी, इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज, जैसे कि हमने पहले पिछले उसमें वीडियो में देखा था, तो स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन अप्रोच होती है प्रोग्राम डिजाइन के लिए। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का हम चैप्टर्स आके 3 और 4 में आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी प्रोग्राम, एक प्रिंटिंग लाइन ऑफ टेक्स्ट हम किससे से कर सकते हैं। अगर हम एक लाइन है टेक्स्ट, एक लाइन हमें प्रिंट कर दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हुआ इस पे वेलकम टू सी, तो भाई ये लाइन अगर हमें प्रिंट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे। आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है, तो किस तरह से आ रहा है देखिए। जो यहाँ पर हमारा मैं आपको हाइलाइटर से करके बता देता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू मोर एप्रोप्रिएट। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड कमेंट्स, दीज आर कॉल्ड कमेंट्स। ये देखिए ये कमेंट है, कमेंट की स्टार्टिंग और एंडिंग वही चीज यहाँ लिखी हुई है। कमेंट स्टार्ट कैसे होना है और इस तरह से होना है। टेक्स्ट सराउंडेड बाय दिस इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर बाय द कंप्यूटर, और इनको हम कहते हैं कमेंट्स। इससे प्रोग्राम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हैश इंक्लूड क्या है। इट्स अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट टेल्स द कंप्यूटर टू लोड द कंटेंट्स ऑफ द सर्टेन फाइल, किसी फाइल के, जैसे फाइल हमारे पास है ये stdio.h, उसके कंटेंट्स को लोड करना है। और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो .h जो फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के काम आती है, जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ जैसे फंक्शन जो होते हैं उनके लिए काम आती है ये। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी प्रोग्राम की हम बात करें और हम देखते हैं कि सिंपल सी प्रोग्राम हमारा, उसी का आगे हम बढ़ते हैं कि इंट मेन जो है हमारा, व्हाट इज इंट मेन हियर। मेन सी प्लस प्लस या सी प्रोग्राम जो होते हैं हमारे, कई एक से ज्यादा फंक्शंस हमारे होते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ विच मस्ट बी मेन। मेन फंक्शन बहुत ही जरूरी होता है। और पैरेंथेसिस जो होते हैं, जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है कि फंक्शन के द्वारा, सॉरी ये वाला पैरेंथेसिस, सॉरी सिंपल ब्रैकेट्स जो है हमारे, इनका इस्तेमाल होता है फंक्शन को शो करने के लिए। इंटीजर हमने लिखा है मीन्स दैट द मेन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। और जो ब्रेसेस जो होते हैं दे इंडिकेट अ ब्लॉक, जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं वो एक ब्लॉक को इंडिकेट करते हैं। तो जो बॉडीज हैं हमारी ऑफ फंक्शंस की, द बॉडीज ऑफ ऑल द फंक्शंस मस्ट बी कंटेन इन द ब्रेसेस। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उस वीडियो को इस समय पॉज करके आप इसको, आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और आई होप आप लोग को समझ में आए। कोई भी दिक्कत आती है तो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंट एफ वेलकम टू सी। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ये बता रहा है कंप्यूटर को एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए बता रहा है। मैं एक मजरा इरेजर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यस यस नाउ मोर ऑफ द पेन। तो ये बता रहा है कंप्यूटर को एक एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन क्या परफॉर्म करना है? टू प्रिंट द स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स विद इन कोट्स। सिंपल, डबल कोट्स है हमारे पास। ये डबल कोट्स के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, डबल कोट्स में जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, दैट ये एज इट इज टेक्स्ट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, शो कर दिया जाएगा। और एंटायर लाइन कॉल्ड अ स्टेटमेंट, इस पूरी लाइन स्टेटमेंट हम कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। और हर स्टेटमेंट हमारा एक सेमी कॉलन से एंड होता है। और सारे स्टेटमेंट्स एक सेमी कॉलन से एंड होती हैं। और एक एस्केप कैरेक्टर जरूर इसमें मेंशन किया हुआ हमने, स्लैश एन, स्लैश का मतलब होता है एस्केप कैरेक्टर। और इट इंडिकेट्स दैट प्रिंट एफ शुड डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। एस्केप कैरेक्टर कुछ अलग करना है उसको,
शो तो करे ही करे, जो टेक्स्ट हम कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ करना है, तो हमने इसमें दिया न्यू लाइन कैरेक्टर। जैसे ही प्रिंट शो होने के बाद नीचे लाइन हमारे पास आ जाए, हम देख लेते हैं एक बार आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी आती है रिटर्न जीरो की। अब रिटर्न जीरो में इट्स अ वे टू एग्जिट अ फंक्शन, हम फंक्शन से जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो एक तरीका है रिटर्न जीरो। तो रिटर्न जीरो का मतलब इस केस में ये हो गया कि जीरो एरर्स, और इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि प्रोग्राम जो है नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है बिना किसी एरर के। तो लेफ्ट ब्रेस था, राइट ब्रेस था, राइट ब्रेस आ गया, मार्क्स द एंड ऑफ द मेन, और लिंकर अब काम करना शुरू करेगा। जब कंपाइलेशन ने कंपाइलर सब कुछ पढ़ लिया, सब समझ में आ गया कि एक एक चीज का मतलब क्या है, तब तो लिंकर काम करेगा। जैसे फंक्शन कॉल होता है, सॉरी ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, जब हमारा फंक्शन कॉल होता है, मेरा फंक्शन इज कॉल्ड, तो जो लिंकर होता है वो उसको लाइब्रेरी में लोकेट करता है। जैसे हमने एसटीडीआर अटैच को कॉल किया, तो उसको लाइब्रेरी में उसने लोकेट किया और उसने हैश इंक्लूड करके उसको इंसर्ट कर दिया। ऐसे तरीके से हमने मेन कॉल किया था, तो उसको वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में इंसर्ट कर देता है। और अगर फंक्शन का नाम, अगर उसकी स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल किया हुआ है उसको, तो लिंक का क्या करेगा, एरर स्पॉट करेगा, बिकॉज उसको उसको वो फंक्शन नहीं मिला। सीधी बात, बिकॉज इट कैनॉट फाइंड द फंक्शन इन द लाइब्रेरी। ये एक आउटलाइन है एक प्रोग्राम की, आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं अब यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ दिखा सकता नहीं। हाँ जी, हम वापस लौट के आ गए यहाँ पर। ये हमारा है एडिशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके आगे शायद मेरे ख्याल से ऊपर मिसिंग है, आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपका। ये है बैक स्लैश, बैक स्लैश स्टार एंड स्टार बैक स्लैश, ठीक है। और एस टी डाटा टेस्ट ने दे दिया। Oops. और हमने यहाँ पर दे दिया इसको, एस टी डाटा टेस्ट दे दिया, और इंट मेन दे दिया हमने यहाँ पर। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, दो इंटीजर, तीन इंटीजर्स हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। हमने इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। तो पहले हमने फिर उसको इनिशियलाइज करना शुरू कर दिया। सेकंड हमने ये इनपुट किया, हमने पहला इनिशियलाइज किया, दूसरा हमने इनपुट किया। इनपुट करते समय हमने देखा कि एंटर द फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर एंटर किया, सेकंड इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर हमने एंटर कर दिया, स्कैनफ कर दिया। पहले प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया कि स्क्रीन पर पहले शो करेगा कि आप पहला इंटीजर एंटर करिए, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी स्कैनफ के, जो हमें बताएगी कि स्कैन करना है, हमें इनपुट लेना है यूजर से फ्रॉम द कीबोर्ड। और सेकंड, सिमिलरली हमने सेकंड इंटीजर इनपुट किया, फिर हमने सम इक्वल्स टू इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2, और हमने फिर उसको प्रिंट कर दिया। तो हमने मुख्य रूप से हमने तीन स्टेटमेंट्स की हैं, एक्चुअली चार हैं। पहले हमने इनिशियलाइज किया, फिर हमने इनपुट लिया, इनपुट के बाद हमने उसका सम किया, एंड देन आफ्टर दैट हमने उसको प्रिंट कर दिया, और प्रोग्राम आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से आ गया। तो ये रिटर्न जीरो हमने लास्ट पर लिखा था, इट इंडिकेट्स दैट द प्रोग्राम इज एंडेड सक्सेसफुली, बिना किसी एरर के, बिना किसी दिक्कत के ये प्रोग्राम एंड हो गया है, इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है कि बिना किसी एरर के, कोई एरर नहीं आई, कोई रोक टोक नहीं हुई इसके अंदर। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हम आगे और देख सकते हैं। इसके अंदर हम आगे, हम जब यहाँ पर बात करते हैं कि एक और सिंपल, जो सिंपल प्रोग्राम एडिट टू इंटीजर्स का, उसको हम देख लेते हैं एक बार। सेम कमेंट्स हैं, वही हैं कमेंट्स हमारे, जो हमने डिस्कस किए थे पिछले स्लाइड्स में, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। हैश इंक्लूड एसटीडीआर डॉट हैश किया हमने, फिर हमने मेन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हमने इंट, इंटीजर 1, इंटीजर 2, हमने तीन इंटीजर्स हमने डिक्लेयर किए विद द नेम्स। पहले वेरिएबल का नाम हमने इंटीजर 1 दिया, दूसरे वेरिएबल का नाम हमने इंटीजर 2 दिया, तीसरे का हमने दिया सम, और इनको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, वेरिएबल्स होते क्या है,
देयर लोकेशंस एंड मेमोरी वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड. एक लोकेशन है, मेमोरी के में जगह है जहां पर वैल्यू रखी जाती है. और इंटीजर मींस द नंबर्स कैन होल्ड इंटीजर्स, तो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो. और इंटीजर वन और इंटीजर टू, मैं एक मिनट इसको मैं मतलब हाँ जी ठीक है. हम इंटीजर वन इंटीजर टू की बात कर रहे थे. उप्स, ये बार बार हो रहा है, सॉरी मेरी तरफ से गलतियां हो रही हैं. मैं इरेजर्स के द्वारा इसको मैं इरेज कर देता हूँ और हम आगे बढ़ सकते हैं. सो ठीक है, तो हमारे इंटीजर वन इंटीजर टू जो है हमारे पास, ये हमारे क्या है, वेरिएबल नेम्स है जिनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स का मतलब ये होता है कि दे कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, बट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट. और इसमें अंडरस्कोर्स भी आते हैं, अंडरस्कोर साइंस भी आते हैं, और दे आर वेरी केस सेंसिटिव. तो जो डिक्लेरेशंस होती हैं बिफोर द एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, डिक्लेरेशंस हमेशा है एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट से पहले आती है. और अगर ऐसा ना किया जाए तो हमारे यह सिंटैक्स एरर या कंपाइलर एरर क्या कहलाई जाती है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं, हमने प्रिंट एफ के बारे में पहले पढ़ा था. प्रिंट एफ से डबल कोट्स के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसको उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. और इसके अगर आपने स्लैश, अगर हम फॉरवर्ड स्लैश अगर हमने साइन लगाया हुआ है तो वो दैट विल आपको बताएगा कि वो एक एस्केप कैरेक्टर है. एस्केप कैरेक्टर जो प्रिंट एफ को कुछ और करने का, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग से काम करने को देता है. जैसे न्यू लेंथ कैरेक्टर्स होते हैं, आप इसमें बीप साउंड ऐड कर सकते हैं. तो सिमिलरली जैसे हमने प्रिंट एफ के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे यहाँ पर आ जाते हैं स्कैन एफ पे. स्कैन एफ स्टेटमेंट इंटीजर वन, हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है. अब स्कैन एफ का मतलब क्या होगा, इट यूजेस द स्टैंडर्ड इनपुट. स्टैंडर्ड इनपुट मीन्स कहते हैं हमारा कीबोर्ड, हमारा इनपुट कंसोल है, हमारा इनपुट एक हार्डवेयर है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं. तो स्टैंडर्ड क्या है, हमारे पास कीबोर्ड है. और हम आगे देखते हैं कि स्कैन एफ के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्गुमेंट्स या उसको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं. और ये परसेंटी एक पैरामीटर है. क्या है, इट इंडिकेट्स डेटा शुड बी अ डेसिमल इंटीजर. डेटा जो हम ले रहे हैं, जो इनपुट लेना चाह रहे हैं, वो इंटीजर फॉर्म में लेना चाह रहे हैं. फिर हमने एंड इंटीजर वन लिखा, इसका मतलब कि लोकेशन दे रहे हैं हम उस मेमोरी में कि जहां पे वो उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेगा. ये हम ये बता रहे हैं कि इंटीजर वन जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसकी लोकेशन हमने दे दी कि आप जो वैल्यू लेंगे आप उसी इंटीजर वन की लोकेशन पे जाके उसको सेव करेंगे. अगर हम एंड नहीं देंगे, हम एंड की बात खैर हम बाद में करेंगे, अगर हम एंड नहीं देते तो वो इंटीजर वन के एड्रेस को नहीं ढूंढ पाएगा. एड्रेस ही ढूंढेगा तो फिर सेव नहीं कर पाएगा उस चीज को. तो हम आगे देखते हैं. एंड इज कंफ्यूजिंग इन द बिगिनिंग बट जस्ट रिमेंबर, उसको सिर्फ ध्यान रखने वाले थे उसको हम इंक्लूड करें वेरिएबल नेम के साथ स्कैन ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर. हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, जब हम पॉइंटर्स की तरफ बढ़ेंगे या हम स्ट्रिंग्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम आगे इसका एंड के प्राथमिकता को उसकी बात देखेंगे. इवन फंक्शंस के अंदर भी हम बात कर सकते हैं. फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की बात जब करेंगे तो हम इसके द्वारा ही कर सकते हैं. और जो हमारा यूजर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है स्कैनएफ को बाय टैपिंग इन द नंबर, फिर उसके बाद प्रेसिंग प्रेस करता है एंटर या रिटर्न की. आप सब जानते हैं, आप नंबर एंटर करें और आप एक एंटर की आप प्रेस करें, एंटर इसको हम रिटर्न की भी कहते हैं, एंड देन स्कैन एफ में वो वैल्यू चली जाती है. नेक्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं, सम इक्वल्स टू, हमने इंटीजर वन इंटीजर टू किया था, तो दिस इक्वल टू इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर. और सम इक्वल टू वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू, और सम का मतलब हो गया कि इट गेट्स द वैल्यू ऑफ द एडिशन एडिंग द टू वेरिएबल्स वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू. ये एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसमें दो ऑपरेंड आते हैं. और बाइनरी ऑपरेटर हमारा प्लस हो गया, इक्वल टू असाइन करता है टू वेरिएबल,
और जो वेरिएबल है हमारा इट और रिसीविंग जो होगी वैल्यू हमेशा लेफ्ट में होगी। सो हमारा जो भी असाइनमेंट होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, ऑलवेज राइट टू लेफ्ट होगा। और ए इक्वल्स टू बी है तो बी की वैल्यू ए पे असाइन होगी। अगर हम लिखें ए और बी, सो बी की वैल्यू ए को असाइन हो रही होगी, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है। और हम आगे देखें जो प्रिंट एफ है, सेम चीज हम देख सकते हैं, सिमिलर टू स्कैन एफ, परसेंटेज मींस डेसिमल, इंटीजर विल बी प्रिंटेड, और सम जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सा इंटीजर प्रिंट होना है, क्योंकि हमने वेरिएबल हमने वो दे दिया कि डेसिमल इंटीजर होना है, लेकिन उसको ये बताना है कि भाई कौन सा वेरिएबल है जो जिसकी इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले होनी है। और इसमें एंड साइन नहीं लगता है क्योंकि इसमें एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, एड्रेस हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं स्कैनफ के द्वारा, उसको मिल जाती है, लोकेशन मिल जाती है, और कैलकुलेशन जो होती है हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम उसको सम के जगह हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, सम इज परसेंट डी, और सम की जगह हम सीधा ये लिख सकते थे इंटीजर 1 + इंटीजर 2, हम इसी के अंदर भी इस तरह से कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन हम प्रिंट स्टेटमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेमोरी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। मेमोरी कंसेप्ट में हम देखें कि भाई एक एक आप देख सकते हैं, साथ में विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप सामने कि इंटीजर वन जो हमारे पास ब्लॉक है उसमें वैल्यू सेव्ड है 5 45, और वेरिएबल नेम्स हो गया, वेरिएबल नेम इसके उसमें इंटीजर वन हो गया, उसकी लोकेशन होगी कंप्यूटर की मेमोरी में, उसके लोग वैल्यू है और जो स्कैनर के द्वारा ली गई है, तो उसको हम देख सकते हैं। देखिए वेरिएबल नहीं, वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो लोकेशंस के नाम होते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, और हर वेरिएबल का अपने नाम होता है, टाइप, साइज और उसकी एक वैल्यू। तो चार चीजें होती है हर वेरिएबल की, उसका नाम क्या है, किस टाइप का डेटा ले रहा है, क्या वो इंटीजर लेगा, कैरेक्टर लेगा, फ्लोटिंग पॉइंट लेगा, स्ट्रिंग लेगा, बूलियन लेगा, हेक्साडेसिमल लेगा, चाहे कोई कैसे वैल्यू ले वो हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसका साइज होता है, हर टाइप का अपना साइज होता है, वहां का देखेंगे कि क्या साइजेस हैं, क्या टाइप्स हैं, और एक उसकी वैल्यू होती है जो हम स्कैनर के द्वारा या हम इनिशियलाइज करके भी दे सकते हैं। और जब भी कोई वैल्यू किसी एक वेरिएबल में जब प्लेस की जाती है स्कैनर के द्वारा, तो पिछली वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है नई वैल्यू से, हम नई वैल्यू से रिप्लेस कर देता है, उसको ओवरराइट कर देता है, वैल्यू कभी हटती नहीं है इसके अंदर। और जो रीडिंग वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स रीड करते हैं हम जो मेमोरी से, तो उसको चेंज नहीं कर सकता रीडिंग में, राइटिंग में चेंज होता है, राइटिंग मीन्स उसमें चेंज करा, उसमें ऐड करे कुछ चीजें। तो हम वो अगर मान लीजिए 45 है हमारे पास, और नेक्स्ट वैल्यू में एक बार हमने वैल्यू उसको दी, हमने 45 एंटर कराया, या हम कह सकते हैं कि पहले 45 पढ़ी को हो सकता है, और हमने जो वैल्यू एंटर करा हमने उसको दिया, उसको हमने दिया 60, तो ये वैल्यू इसको कर देगा रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे वैल्यू स्टेप हो जाएगी 60। एरिथमेटिक कैलकुलेशंस की बात करें, एरिथमेटिक में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं, डिवीजन के लिए हम बैक स्लैश यूज करते हैं, और इंटीजर डिवीजन जो होता है वो रिमाइंडर नहीं बताता, इट ट्रंकेट्स अ रिमाइंडर। और जैसे हम 7/5 करें तो हमारा वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे 1 आती है। मॉडस ऑपरेटर जो होता है इट रिटर्न्स द रिमाइंडर, ट्रंकेट का मतलब है कि ट्रंक शो नहीं करता, उसको हटा देता है, रिमाइंडर को ओवरलुक कर देता है, उसको ध्यान नहीं देता उसके ऊपर, उसको रिमाइंडर को बिल्कुल भी काम नहीं करता, रिमाइंडर को छूता तक नहीं, वो सिर्फ कहता है कि भाई जो हमारा रिजल्ट आया है वो एज इट इज है, ये रहा। जो हमारा परसेंट मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमारे इसका रिमाइंडर जनरेट करता है। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है, प्रेसिडेंस मतलब उनकी प्रायोरिटी होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले कैलकुलेट होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा BODMAS, BODMAS, जैसे ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन हमेशा पहले आता है, मल्टीप्लीकेशन हमेशा एडिशन से पहले आता है, और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल मतलब ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी होता है। तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे अगर हम ऐसे ना करके हम अगर इसको ऐसे करें
तो ये ज्यादा हमारा बेहतर होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, ए प्लस बी पहले करेगा और सी बाय थ्री पहले कर देगा, डिवीजन पहले कर देगा, उसके बाद एडिशन करेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी पहले हो जाए, उसके बाद डिवाइड बाय थ्री हो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम एवरेज निकाल रहे तीन नंबर्स का, ये हमारे देखे दोस्तों, आप टेबल्स देख सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें बताने को है नहीं, आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप देख सकते हैं कि रूल्स ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे किस तरह से काम करते हैं, इनके एक्सप्रेशंस किस तरह से होते हैं। तो सी एक्सप्रेशन और आपके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको फर्क बताया गया है। जैसे ये हमारा है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारा है सी एक्सप्रेशन, और सिमिलरली हमारे इसके प्रेसिडेंस है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस को ब्रैकेट्स की बात होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर आते हैं, और नेक्स्ट लास्ट लीस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते हैं। अब डिसीजन मेकिंग इसकी बात करते हैं कि इक्वालिटी और रिलेशन ऑपरेटर्स की बात करें, तो डिसीजन मेकिंग में हमेशा एक बात आती है आपके, हम किस पे काम करें। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये करें, फॉल्स है तो ये करें। तो उसके लिए हमारे स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ, जो प्रिंट करने का, अगर कोई स्टेटमेंट पास या फेल किसी टेस्ट ग्रेड में है तो इसको हम कहते हैं डिसीजन लेना, या एक्शंस पे किसी परफॉर्म एक्शंस का कैलकुलेट किया गया, कुछ किया गया इनपुट डेटा पे, उस पे अगर वो चीज हाँ है तो ये, चीज ना है तो कुछ और करे। तो उसको हमें करने के लिए इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए, और इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा बस आगे आएगा डिटेल में, हम बताएंगे कि अगर ये स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होती है कब होती है, जब वो कंडीशन ट्रू हो, और नहीं होती जो जीरो फॉल्स होता है, नॉन जीरो इज ट्रू। और कंट्रोल जो होता है वो हमेशा रिज्यूम करता है आफ्टर द इफ स्ट्रक्चर, पहले इफ स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद आगे कार्रवाई कंपाइलेशन स्टार्ट होगा। कीवर्ड्स की बात करें, कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर, और उनको हम एज आइडेंटिफाई या वेरिएबल नेम्स नहीं ले सकते, जैसे फॉर, ऑटो, नेम, इस तरह से हम उसके नाम नहीं दे सकते वेरिएबल्स के नेम्स, क्योंकि वो कीवर्ड्स में काउंट हो जाते हैं। ये हमारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे जानते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये हमारा दिस इज दिस इज आर ग्रेटर देन साइन, दिस इज आर लेस देन साइन, ये है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब इक्वालिटी ऑपरेटर से हमारा डबल इक्वल टू, डबल इक्वल बताएगा कि वैल्यू दोनों के सेम है कि नहीं है। अगर सिंगल इक्वल टू कर रहे थे तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, लेकिन ये बताएगा एक्स इज इक्वल टू वाई, और हम इसके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क अगर हम रिप्लेस कर देंगे इक्वल से तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, दैट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये हमारे कीवर्ड्स हैं दोस्तों, बड़े ध्यान देने वाली बात है कि ये कीवर्ड्स हमारे काफी काम आते हैं। हम जैसे जैसे आगे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो हम इसका काम, इसका यूज करते जाएंगे। आप इस स्लाइड पे, आप इस वीडियो पे आप पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते, फिलहाल ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है, बड़े सिंपल प्रोग्राम है। सिंपल है कि इसमें आप देख सकते हैं कि हम दो नंबर्स को हम इनपुट ले डिक्लेयर किया, उनको हमने इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद हमने पहले चेक किया कि दो नंबर्स बराबर हैं, अगर नंबर बराबर हैं तो प्रिंट करें, अगर नंबर बराबर नहीं है तो ये प्रिंट करें, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो भी ये करे, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, फिर दिस नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, देन उसको प्रिंट करे। सिमिलरली हम आगे देख सकते हैं कि अगर नंबर वन इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर टू के बराबर है और छोटा भी है तो हम इसको भी देख सकते हैं। सिमिलरली हम आगे देखें, हम आगे देखें तो नम वन है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम टू, और परसेंट डी मतलब हम कह सकते हैं कि परसेंट डी इज ग्रेटर देन इक्वल परसेंट डी, तो नम वन हमने परसेंट डी इसके लिए लिया, और सेकेंड परसेंट डी है वो हम किसको दर्शा रहा है, नम टू को। तो ये हम आउटपुट इस से दे सकते हैं, और रिटर्न जीरो का मतलब इंडिकेट दैट प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। तो हम दे सकते हैं कि हमने अगर जो नंबर इंसर्ट किए, हमने इनपुट लिए तो थ्री और सेवन लिया, तो भाई थ्री इज नॉट इक्वल टू सेवन, थ्री इज लेस देन सेवन एंड थ्री इज इक्वल टू
लेस देन और इक्वल टू 7। अगर मैं 22 और 12 लिया तो सेम चीज आ गई। अब ये इसमें 22 इज नॉट इक्वल टू हो गया, 22 इज ग्रेटर देन हो गया, और 22 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल और इक्वल टू 12 हो गया। तो अब स्लाइड हम यहीं पर रोकते हैं और हम इसको अब एंड करने की बात करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों को एक मिनट लिखे देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है यानी कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक कमेंट। कमेंट्स आपके मुझे बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। और शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को। मेरे अभी तो स्टार्टिंग है, तो आप लोग के प्यार और उसके आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग को पसंद आया होगा तो आप प्लीज इसको शेयर करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।